अभी हम जलेबियाँ बनाएंगे। और ये कपड़े से देखें माशाल्लाह कितनी इजी बन गई हैं, इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम सलीम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अपने छत के ऊपर ना इस वक्त हम लोग, और मेरे पीछे आप व्यू चेक करें, हम बना रहे हैं आज गर्मा गर्म जलेबी। नहायत ही आसान है बनाना, बिल्कुल ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती इसे बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि जो जलेबी है वो कैसे बनाई जाती है और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए एक कप अगर पानी है आपका तो दो कप उसमें चीनी ऐड होगी। तो जितनी भी आपने बनानी है उस हिसाब से बनाइए। अगर एक कप आप पानी ले रहे हैं तो दो कप उसमें चीनी जाएगी, और साथ ही हम सब्ज़ इलायची जो है वो भी शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। चाशनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है, और इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो फिर जो जलेबी है उसके अंदर सही तरह ये जाएगी नहीं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब हमारे पास मैदा है, तो अभी इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो तकरीबन आधा चम्मच हम शामिल करेंगे। तो पानी जो हम इस्तेमाल करेंगे वो नीम गर्म होगा, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ऐसे। और इसको जितना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उतनी अच्छी जलेबियाँ बनेंगी। यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है आपने, जितना हो सके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। अगर आप चम्मच की मदद से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैदा जितना अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे उतना खुल जाएगा, और जितना खुलेगा उतनी अच्छी जलेबियाँ और खस्ता बनेंगी इंशाल्लाह। ये है जलेबी कलर, थोड़ा सा पानी, अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो जलेबियाँ बनाने के लिए ये एक हमने कपड़ा लिया, देसी कपड़ा है, साफ़ कपड़ा है। बिल्कुल सेंटर में एक और कपड़ा छोटा सा हमने लगाया, उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं इस तरह से। बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा सुराग कर लिया, और सुराग के इर्द गिर्द जो है वो भी सिलाई कर लिया। तो विलेज में जो जलेबी बनाई जाती है वो कपड़े की मदद से बनाई जाती है, और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है। ये कपड़ा भी काफ़ी मेहनत से हमने तैयार किया, इसकी सिलाइयाँ आप चेक कर सकते हैं। तो चाशनी जो है वो ठंडी हो गई थी, सबसे पहले चाशनी जो है उसको गर्म कर लेंगे। प्याला रखा नीचे, ऊपर ये जो कपड़ा हमने बनाया ये वो सुराख वाला हिस्सा है, इसको ऐसे प्याले के अंदर करेंगे। जलेबी बनाने के लिए ये इस तरह का होना चाहिए, ये देखें इसकी धार जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो अभी इसको डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अभी इसकी साइडों से इसे पकड़ेंगे सही तरह, और ऐसे इसको ऊपर से सही तरह ना मरोड़ी बना लेनी है, ऐसे प्याले के अंदर ही इसे रखना, इस तरह उठाएंगे। अभी हम जलेबियाँ बनाएंगे। और ये कपड़े से देखें माशाल्लाह कितनी इजी बन गई हैं, इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें तो जलेबी बनाने के लिए जो बर्तन लेंगे वो नीचे से गहरा नहीं होना चाहिए। पैन ले सकते हैं, या पैन की तरह की अगर आपके पास कढ़ाई है तो वो भी आप ले सकते हैं। माशाल्लाह कलर बहुत ही प्यारा आया है, और जलेबियाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही हैं। थोड़ा थोड़ा इनको हिला देंगे ताकि ये फ्राई जो है वो सही तरह हो जाए, अच्छी तरह फ्राई होनी चाहिए।
20 तरह जलेबियाँ बना लेंगे। और ये कपड़े का एक माल है कि माशाल्लाह इतनी प्यारी बन रही है, ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो गई हैं, अभी इनको यहाँ से उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह छत पे कुकिंग करने का भी अपना मज़ा है, ऐसे और सही तरह चाशनी के अंदर इनको खिला देंगे और ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि चाशनी सही तरह इनके अंदर जज्ब हो जाए, ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है जलेबियाँ जो है हमारी उनकी। थोड़ी देर यहाँ पे रखेंगे ताकि जो चाशनी टपक रही है वो सही तरह टपक जाए, को निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी मज़े की बनी है। हाँ जी मौजम भाई, कैसियाँ बन रही हैं? माशाल्लाह करम भाई, मज़ा आ गया। हाँ चाचू कैसियाँ बनी हैं? बहुत मज़ेदार। हाँ जी अबू जी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। हाँ जी मामा जी, कैसियाँ बनी हैं? ये बहुत अच्छी हैं जी, रेमी बनी हैं।